पानी की समस्या को लेकर सिंधिया को किसानों ने घेर लिया। किसानों ने पानी की समस्या की सिंधिया से गुहार लगाई है और इसी के साथ सिंधिया बोले कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। आबू धाबी के फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव वालों को पानी की समस्या हो रही है, 3 किलोमीटर दूर पानी लेकर आना पड़ता है। इसी को लेकर लगातार पानी की समस्या को लेकर शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक समस्याओं को दूर नहीं किया जा सका, इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा और अपनी समस्या को बताया। हमारे बमोरी विधानसभा में फतेहगढ़ बेल्ट है, वहाँ पे पानी की बरसों से समस्या है, 1000 फीट पे भी पानी नहीं, पीने के लिए हम 3-3 किलोमीटर से पानी लाते हैं। अभी जो सरकार ने एक योजना हमारे गुना जिले को दी है, पार्वती चंबल सिंध परियोजना, उस योजना में जो कि पार्वती नदी है, उस होने के बाद में भी दोष भावना से उस क्षेत्र को वंचित किया गया है। आज ये सारे किसान वहाँ से आए हैं, हमारी तालाबों की मांग बरसों से चल रही है। आज माननीय महाराष्ट्र साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, अगर हमारा काम कब होगा, क्या हम मर जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ मांग कर रही हैं।